जिसकी है मशीन इसे अभी तुम लिए हो खारी। उखरी है मशीन उनके हुक्म की तामील हुई। धन धन जेलदार तेने गऊओं के बचाए प्राण। छत्री के लाल तेने रोशन किया हिंदुस्तान जी। ऐसे वीरन की तहरीर कोरे सुन सुन के। तो हम दादाजी जगदीश जी के साथ गांव सौंद के जाने माने जो पहलवान हैं, पहलवानों की हस्तियां, जितनी भी पहलवान हमारे गांव के हुए हैं, इस धरती पर हुए हैं, उनकी हम जीवनी लेकर आ रहे हैं, जीवन गाथा लेकर आए हैं दादा जगदीश जी के साथ। तो हम सीरियल वाइज पहलवानों की जीवनी आपके सामने पेश करते जाएंगे। जैसे हमारे गांव में अनेकों पहलवान हुए हैं, धीरे धीरे बारी बारी से सभी का नंबर लेते रहेंगे और दादाजी से उसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। पहलवान जो वीर गाथा सौर्य जो सौंद भूमि है, वीरों की भूमि रही है और अनेक पहलवान इस पर पैदा हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो हम जितने भी पहलवान हुए हैं उनके बारे में दादाजी के साथ मिलकर उनकी जीवन गाथाएँ लाते रहेंगे तिरछिवा चैनल पर बारी बारी से। तो दोस्तों, दादा जगदीश जी पहलवानों की बायोग्राफी लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं तिरछिवा चैनल पर। और पहलवानों की बायोग्राफी स्टार्ट करने से पहले दादाजी का कहना है कि हम पहले जेलदार साहब जो कि हमारे माननीय और पूजनीय हैं, दादा गंगा बकस जी जो कि हमारे पहले जेलदार जी रहे हैं, जिन्होंने कोसी में से गऊ कसी की जो मशीन थी उसको हटवाया और अंग्रेज़ों को वो मशीन हटानी पड़ी थी। तो उनके बारे में दादाजी कह रहे हैं कि मैं पहले उनका एक भजन पेश करना चाहता हूं जनता के सामने। गऊ कसी की जो कट्टी है उसको हटाने के लिए जो दादाजी ने भजन बनाया है जेलदार साहब के ऊपर, तो वो पहले गाना चाहते हैं। तो सुनिए दादा जेलदार जी के ऊपर वो भजन। दादा जगदीश जी जो अपने ज़माने के जाने माने सिंगर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं। दादाजी तो कोई गाना ऐसा बताइए। मेरे भाइयों, जिस समय पांडव अज्ञातवास को में थे, तो जब विराट के अंदर पहुँचे तो बारी बारी सबको पूछा गया कि तुम किस काम को करोगे। जब अर्जुन का नाम आया तो उसने कहा, भाई मैं तो नाचनिया यार गावनिया आदमी हूँ, मैं तो भाई नाचने गाने का काम जानता हूँ। तो अर्जुन को उत्रा नाम की जो उनकी लड़की कमलनयन की लड़की थी, उत्रा को गाना और नाचने के लिए उन्हें सिखाने के लिए भेजा गया। तो भैया ऐसी बात है, पहलवान तो बहुत हुए गांव में, मेरे भैया गोलम जैसे पहलवान हुए, खरगी नथन और पहलवान गंगल जैसे पहलवान हुए, मैं तो केवल भैया होरी चौफई नैतिक ये ऐसे कार्य गाने बजाने के ही काम करे मैंने तो या जीवन में। और अब मैं दो लाइन अपने दादा गंगा बख्श के एक भजन की आपके सामने पेश करता हूँ। अरे ऐसे मर्दाने वीर का एक एक किस्सा तुम्हें सुना में हो, ऐसे मर्दाने वीर का एक किस्सा तुम्हें सुना में। सुनने लायक बात भाई सुनो इसे करके मेहर, मथुरा के जिले में एक सोना होगा कोसी शहर। 60 की साल में एक कोसी में मशीन आई, कलकत्ते से 7-5 जुर्मिल के लाए कसाई जी। अरे गऊओं के चेहरे और फार कारी मच गया सोरो प्रजा में, ऐसे मर्दानी वीर का एक के साथों में सुना में बोलो। अरे अरे गाम गाम नीचे को झुका में शीश ऊपर से दावे मशीन, यही अत्याचार कुल कोसी में रहा दिन तीन। 3 दिन में 300 ही जीव देखो मारे गए, हड्डियों के ढेर लगे खूनों के पनारे बहे जी। और गऊओं के चेहरे और फार का मच गया रे सोर प्रजा में, गाम गाम जिक्र हुआ
जेकर सुना जेलदार पहुंचा कोसी शहर अपने घोड़े पे होके सवार बुला के कसाई उसने यही कहा हर बार, बुला के कसाई उसने यही कहा हर बार। जिसकी है मशीनी से जल्दी से लियो उखार, संसत्तावन हो जाएगी वरना हम नहीं करने को टार, यही मजबून लिखा विलायत को भेजा तार जी। और फौरन आए लाट साहब आते ही ये बात कही, जिसकी है मशीन जो कुछ कहता जेलदार बात है ये वही सही, जिसकी है मशीन इसे अभी तुम लिए हो खारी। उखरी है मशीन उनके हुक्म की तामील हुई, धन धन जेलदार तेने गवों के बचाए प्राण, छत्री के लाल तेने रोशन किया हिंदुस्तान जी। ऐसे वीरन की तहरीर कोरे सुन सुन के लाभ उठा में, ऐसे मर्दाने वीर का एक एक साथ में सुना में बोलो हरे बोल। लालदास बाबा कीजिए। इससे अगले प्रोग्राम में हम आपके सामने पेश करेंगे पहलवान गंगल जी के जीवन के बारे में प्रोग्राम, उनके जीवन चरित्र के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे इससे अगले प्रोग्राम में। देखना ना भूलें सिर्फ और सिर्फ तिरछी बात पर चैनल पर। तो दोस्तों देखते रहिए, सभी पहलवानों की यहाँ पे बायोग्राफी वन बाय वन हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। जय हिंद जय भारत।